सुना दोस्तों, यहाँ जितने भी लोग हैं, ज्यादातर जितने लोग यहाँ बैठे हैं तकरीबन मिडिल क्लास से होंगे, अपर मिडिल क्लास से होंगे, लोअर मिडिल क्लास से होंगे, और जितने भी लोग यहाँ पर आए वो चाहे करोड़पति है चार पति है, लेकिन वो भी एक दिन मिडिल क्लास से था, अपर मिडिल क्लास से था, लोअर मिडिल क्लास से था। जिंदगी बातों से नहीं बदलती है। आप कितने फंक्शन देखो, आपने इस फंक्शन को देखने से पहले भी अपने गांव में शहरों में लोगों की सक्सेस स्टोरी सुनी होगी, आप सुनते हो भूल जाते हो, हर हो गया, लेकिन जिंदगी बदलती है। जिंदगी बदलने के लिए जो हमने ये आज प्रोग्राम किया, जिस वजह से आपको बुलाया, कोई सही वजह क्या है, अगर वो आज आपको पता चल गई तो मैं गारंटी देता हूं आपकी जिंदगी जरूर बदलेगी। अब आप सोच रहे होंगे फंक्शन के लिए बुलाया, नहीं, फंक्शन तो आपके शहरों में भी हो जाता, फिर आपको क्यों बुलाया इतनी दूर से? सिर्फ एक कारण से बुलाया, सिर्फ एक कारण से, कि जिंदगियां कैसे बदलती हैं, देखो समझो। लेकिन ये ना सोचना कि इनकी बदल ही आपकी बदल जाएगी, जिंदगी बदलने के लिए आपको खुद को बदलना पड़ता है, पड़ता है, और खुद के बदलाव में दो बदलाव आपको करने पड़ते हैं, दो बदलाव। देखिए इस दुनिया में हर इंसान पैदा होता है एक जैसा शरीर लेके पैदा होता है, तो आंख मुंह आंख सब बराबर, मतलब इस प्रभु ने शारीरिक संरचना हम सबकी एक जैसी की है, कोई फर्क नहीं है, सब एक जैसे दिखते हैं, सब एक जैसे देखते हैं, सब दो हाथों पे, पर इसी समाज में से, इसी दुनिया में से एक जैसे दिखने वाले लोगों में ही कुछ लोग बहुत बड़े मुकाम पर हैं और कुछ लोग आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं, आज भी दिक्कतें झेल रहे हैं, आज भी परेशानियां झेल रहे हैं। इसका एक ही कारण है दोस्तों, ये आपका जोश जनून जो यहां पर है, ये बाहर निकलकर दो घंटे में ठंडा हो जाएगा, इससे बड़े नहीं बनोगे आप बड़े बनोगे। शारीरिक विकास हर इंसान का होता है और एक होता है मानसिक विकास। हमने यहां पर आपको बुलाया है आपकी मानसिकता बदलने के लिए, आपकी सोचने समझने की शक्तियां बदलने के लिए हमने आपको बुलाया है, आपके मानसिक बदलाव के लिए, कि शारीरिक रूप से तुम मजबूत हो, शारीरिक रूप से तुम्हें कोई कमी नहीं, बस अपना मानसिक बदलाव करो, दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी। अभी दुनिया में ऐसा होता क्यों है कि एक जैसे लोग पैदा होते हैं, कामयाब एक नाकामयाब है, एक बहुत बड़ी सक्सेस के साथ है, एक बहुत बड़ी नाकामी भी के साथ है, सिर्फ एक ही कारण है, और ये मानसिक बदलाव कब होगा, कब इंसान सोचने समझने की शक्तियां बदलेगा, कब अपने नजरियों को बदलेगा, जब इंसान ऐसे लोगों के साथ रहेगा जो बड़ा सोचते हो, बड़ा समझते हो। आज हमारी नाकामयाबी का कारण क्या है आपको क्या लगता है? क्या जितने लोग बैठे मैं पढ़ नहीं पाया इसलिए नाकामयाब, मुझे पैसे नहीं मिले अच्छे कॉलेज नहीं मिला इसलिए नाकामयाब, मुझसे पढ़ाई नहीं हुई इसलिए नाकामयाब, क्या मेरा बाप मजदूर है इसलिए नाकामयाब, क्या मेरे माँ बाप खेती करते इसलिए नाकामयाब? नहीं, एक इंसान की नाकामयाबी का कारण इंसान खुद नहीं होता, कमजोर सोच का कारण इंसान खुद नहीं होता। बस इतना मैं आज आपको समझाना चाहता हूं कि आप ना नाकामयाब है ना कमजोर है, जैसा शरीर अंबानी के बेटे का है ऐसा शरीर आपका है, जैसे दिमाग भगवान ने उसको दिया है ऐसा ही आपको दिया है, तो ये फर्क रह जाता है। इसलिए दोस्तों, क्योंकि जिस घर में हम पैदा होते हैं, जिस माहौल में हम पैदा होते हैं, जिस एटमोस्फेयर में हम पैदा होते हैं, हमारा मानसिक विकास वैसा ही होता है। आप डॉक्टर के पास जाके उसके बोलो मोटा होने की दवाई दे दे, दे देगा, पतला होने की दे दे, दे देगा, उससे बोलो मुझे अपना मानसिक विकास करना
कोई दवाई दुनिया में नहीं है, कोई दवाई दुनिया में नहीं है, और वो एक ही दवाई है, माहौल, एटमॉस्फेयर। सोच के देखो, हम सारे घर में पैदा होते हैं, 3 साल के बाद हमारी उम्र होती है स्कूल जाने की, क्या आप अपनी मर्जी से स्कूल ढूंढते हैं? क्या मर्जी से स्कूल ढूंढते हैं? जैसे हमारे घर की आर्थिक परिस्थितियां होती है वैसा स्कूल मिलता है, किसी को सरकारी, किसी को छोटा मोटा, किसी को बड़ा, जैसे घर में पैसे होते हैं वैसा हमें स्कूल मिलता है। यस और नो? ये सही है गलत है? सही है गलत है? तो हमने स्कूल ढूंढा, हमें पसंद के टीचर से पढ़े, पसंद के स्कूल में पढ़े, नहीं पढ़े, हमें जो भी मिला थोपा गया, जो मिला थोपा गया, हमने पसंद चॉइस नहीं की। उसके बाद हम थोड़े बड़े हो जाते हैं, फिर कॉलेज मिलता है आर्थिक परिस्थितियों की मर्जी से, अगर घर में अच्छे पैसे तो बहुत बड़े स्कूल में चला जाऊंगा, बेकार पैसे तो छोटे स्कूल में पढ़ूंगा, कमजोर स्कूल मिलेगा। फिर आगे की पढ़ाई करना चाहता हूं तो घर वाले कहते भाई नहीं, अब तुम्हें नौकरी कर ले, क्यों? आर्थिक परिस्थितियां आगे की पढ़ाई अलाउ नहीं कर रही। घर में अगर बातें होती है तो नौकरी की बातें होती है, फौज की कर ले, पुलिस की कर ले, टीचर बन जा, इंजीनियर बन जा। मैं गारंटी दे सकता हूं आप सब लोगों को, यहां आने से पहले कई लोगों के घरों में कभी यह बात ही नहीं हुई कि बेटा तू करोड़पति बन सकता है, गारंटी दे सकता हूं। हिम्मत नहीं उन लोगों में, आप समझ सकते हो, बोलने के पैसे नहीं लगते, पर बोलने की भी हमारे परिवार हिम्मत नहीं करते, कमजोर माहौल, क्योंकि हमारे आसपास जितने भी लोग हैं कमजोर सोच के लोग हैं। क्यों? क्योंकि वो कमजोर माहौल में पैदा हुए, उनमें हमारी माँ भी आती है, हमारे पिताजी भी आते हैं, हमारा भाई भी आता है, हमारी बहन भी आती है, हमारे रिश्तेदार भी आते हैं, सब कमजोर सोच के लोग हैं, बड़ी बात उन्हें समझ में आती नहीं, बड़ी सोच को डेवलप करते नहीं। अब मैं आप लोगों से एक सवाल करता हूं, अगर आप किसी बड़े घर में पैदा हो जाते और उस घर की फैक्ट्रियां चल रही होती और आपके पिताजी आपको कहते बेटा फैक्ट्री में बैठ जा, तो आप चला सकते थे या नहीं? अरे ये सुनो, चला सकते थे या नहीं? अगर आपके पिताजी का बड़ा शोरूम होता कपड़ों का और बेटा बेटा बैठ जा चलने पर, तो आप पैसे गिन सकते थे या नहीं? पैसे गिन सकते थे या नहीं? आया ना, तो आप तो सब कुछ कर सकते थे, आप मोटरसाइकिल चला सकते हो, अगर आपके पिताजी के पास पैसे होते आपको चलिए भेज के पायलट का कोर्स करा सकते था, तो जब मोटरसाइकिल चला सकते हो तो जहाज उड़ा सकते थे या नहीं? आए ना, उड़ा सकते थे ना? मतलब क्या है इस जीवन का अर्थ निकालो, इस जीवन का कि हम सब कुछ कर सकते थे अगर हमें कोई मौका देता था। अगर हमें भी कोई देहरादून के दोनों स्कूल में पढ़ाता, लंदन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाता, तो हम सब कुछ कर सकते थे, पर मौका मिला ही नहीं। क्यों? हमारे चारों तरफ कमजोर सोच के लोग हैं। तो दोस्तों, यहां क्यों मैं ये करोड़पतियों के स्पीच सुनने नहीं आया? आप ये समझने आए हो कि मैं कमजोर नहीं था, मेरी परिस्थितियां कमजोर थी, नहीं तो मैं वो सब कुछ कर सकता हूं जो अमीर लोग करते हैं। मैं कमजोर नहीं था, मुझे मौका नहीं मिला, अब मिल गया, अब बताता हूं मैं क्या हूं। मैं भी कौन सा बड़े बाप का बेटा हूं, मेरे पिताजी आर्मी के अंदर थे, रिटायर्ड है किसान, मैंने खेती करी है, किसानी करी है, अगर मुझमें कोई टैलेंट होता, मुझमें कोई क्वालिटी गुण होते, मैं 15 साल नौकरी में क्यों जाता भाई? मुझे मौका ही नहीं मिला, जितना पढ़ा बारगी करी, नौकरी मेरे लिए ऑप्शन था, कोई ऑप्शन नहीं था, मैं चला गया नौकरी करने, क्योंकि मुझे किसी ने एहसास से नहीं दिलाया कि तू क्या कर सकता है। जब ये इंडस्ट्री देखी तब पता चला यार मैं तो बहुत कुछ कर सकता हूँ, मौका ही नहीं मिला, मिला दुनिया को दिखा दिया हम क्या कर सकते हैं। अरे हमारी जिंदगी में जो भी कुछ मिलता है,
हमारी आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार मिलता है। इवन जब हम अपनी शादी भी करते हैं ना तो पसंद भी नहीं आती, बजट भी आती है, बजट भी नहीं। वैसे मेरा घर 20 लाख था तो मैं 20 लाख घर वाले की लड़की ढूंढूंगा, आया ना 200 करोड़ वाला अपनी लड़की मुझे नहीं देगा, देगा क्या? नहीं देगा। हम तो बजट में शादी करते हैं, चॉइस से शादी नहीं करते। चॉइस तो मेरी भी कहती ना कैफी पर बजट में फंस गया मैं भी। भाई जैसा हमारा घर, हम अपनी बेटी की शादी करते हैं तो पसंद का तुला नहीं ढूंढते, बजट का तुला ढूंढते। आप समझो जिंदगी क्या, जिंदगी को समझ के जाओ। यहां पर आए हो, प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, सब बहुत बढ़िया है, अचीवमेंट बहुत है, कुछ बताने की जरूरत नहीं। जिंदगी को समझो, आप समझो इस जीवन का। बेटी की शादी करते हैं, बेटी कितनी प्यारी क्यों ना हो हमारी, अगर 5 लाख वाले यहां जाएगी तो जीवन भर 5 लाख 10 लाख के घर में, कमजोर घर में जाएगी तो बेटी पूरी जिंदगी दुखी रहेगी, परेशान रहेगी। लेकिन हमारा घर अगर 10 लाख का है तो 10 करोड़ वाला हमें नहीं मिलेगा। जिया ही क्या हमने जीवन में, कौन सा पल जिया है हमने अपनी मर्जी से, ना स्कूल का, ना कॉलेज का, ना जिंदगी का, ना बीवी का, कुछ भी नहीं जिया हमने अपनी मर्जी से। हमारी आर्थिक परिस्थितियों की मर्जी से हम चल रहे हैं। आज के बाद क्या करना है, उन परिस्थितियों को उखाड़ फेंको और मर्जी की जिंदगी शुरू करो। आज के बाद क्या करना है, एक ही बात सोचनी है, बस एक ही बात। मैं कमजोर नहीं हूं, मेरी आर्थिक परिस्थितियां कमजोर थी, नहीं तो मैं भी लंदन से पढ़ के आ सकता था अगर मेरे पिताजी में पैसे होते तो। मैं भी फैक्ट्री चला सकता था अगर मेरे पिताजी में पैसे होते तो। मैं भी शोरूम चला सकता था मेरे पिताजी में पैसे। मैं कमजोर नहीं हूं। मानसिक बदलाव करो, मानसिक विकास करो। शारीरिक तुम्हारा विकास मजबूत है, मानसिकता बदलो। और आज के बाद अगर जिंदगी बदलने की बात कर रहे हो आप लोग, और जोश में मैं आप लोगों को देख रहा हूं, और जुनून में देख रहा हूं, एक ही काम करना, यहां से जाने के बाद मानसिक रूप से हर उस आदमी से रिश्ता तोड़ लेना जो कमजोर सोचता हो, जो तुम्हारी तरह ना सोचता। शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से रिश्ता तोड़ लेना और उसका हाथ पकड़ लेना जो ये कहता हो कि यार तू भी करोड़पति बन सकता है, तू भी अरबपति बन सकता है। इस पर भी बात करते हो, महिंद्रा साहब हमें डायरेक्शन भी करते हुए, आप हमारे पिताजी की गलती लिए हमें मना करते हैं, माता की गलती लिए हमें मना करती है, वो भी तो उसी माहौल में से। बड़ा कैसे मेरा बेटा 12वीं पास में था, करोड़पति बनने की बात कर रहा है। अब तुम जाना अपने घर पे और कहना अपनी माँ को, माँ दिल्ली में फंक्शन देख के आऊं, अब तो दुनिया की दुनिया 100 करोड़ कमाऊंगा। माँ मुंह सुन मेरी, स्पीक है दुनिया सलम। कैसे मान ले यार हम लोगों को, मिडिल क्लास आदमी जब इतनी बड़ी बात करता है तो समाज खत्म नहीं करता। हर आदमी अड़ंग में लड़ाएगा, बाप हो माँ हो, हमारे बाप ने हमारा कभी साथ नहीं दिया, हमारी माँ ने मेरा साथ नहीं दिया। अरे 8, 9, 7, 10 साल हो गए तब ये डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, तो अभी मेरी माँ क्या कहती थी मालूम है? करोड़ों रुपया कमा लिया, गाड़ी खरीद ली, बंगला खरीद लिया। कभी कभी कहती थी, ए बेटा अब तो भी ढंग का काम कर ले। मैंने पूछा माँ ढंग का काम किया? सोच है, मम्मी की गलती थोड़ी है, सोच है, उनका मानसिक विकास हो रही है। और मम्मी ढंग का काम किया है? बेटा भाई तू बाहर खोल ले, सुबह जा शाम को अपने घर आ जा, कुत्ते की तरह गला फाड़ता रहता पूरी जिंदगी होगी। क्यों? क्योंकि मेरी मां भी उसी माहौल से होती। वो तो एक दिन मैंने इंदिरा गांधी के फंक्शन में ले, फिर उन्होंने थोड़े चल में देख लिए, तब मेरा बाबू स्टैंड में जाके घर में बोलता है, काम तो ठीक है तेरा। 15 साल बाद में मेरे माँ बाप को समझाने में सफल हुआ हूं कि मेरा काम ठीक है। पर्पस ये था यहां आने का, मानसिक बदलाव, एटमोस्फेयर चेंज, कमजोर माहौल से बाहर निकलना, बड़े माहौल के साथ रहना, वो माहौल दिखाने
को बुलाया था और इस माहौल में ये बताने के लिए बुलाया था कि जिस घर से तुम हो उसी घर से सब यहाँ पर आए थे। ये सब किसान के बेटे थे जो जगवार होने में भूल गए। हनुमान घाटा का बेटा नहीं था। और अगर इसमें आप नाकामयाब हो, आपको यहां से जाने के बाद कमजोर सोच के साथ ही रहना है, तो आई एम सॉरी, कोई कंपनी, कोई लीडर, कोई अपलाइन आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। सोच बदलो, सोच माहौल बदलो, बड़ा सोचना शुरू करो, बड़ा सोचो। ऐसा जमाना सक्सेस होना इतना मुश्किल नहीं है, बड़ा सोचना मुश्किल है, बड़ा सोचना मुश्किल है, बड़ा विजन मुश्किल है, बिग थिंकिंग मुश्किल है, ऐसा कमाना मुश्किल नहीं है। ये शरीर तो हमारी सोच का गुलाम है, गुलाम। जैसा सोचते हैं वैसा ही ये शरीर रिस्पॉन्स करता है। तुम्हारी पढ़ाई लिखाई में ताकत नहीं है, तुम्हारे घर परिवार में कोई ताकत नहीं है, ताकत है तुम्हारे यहाँ तुम्हारी सोच में, और ये शरीर इस सोच का गुलाम है। इसका एक एग्जाम्पल देता हूं। जब तुम रात को सोते हो, सो जाते हो, सुबह ये सोच के सोते हो कि सुबह 4 बजे उठना है, आगे खुलती है नहीं? अरे आया ना, आगे खुलती है नहीं? खुलती है नहीं? खुलती है। जब रात को बेड पे जाते हो और जब सोने की बात, चलो सोते हैं, क्या बोलते हो? चलो सोते हैं, चलो सोते हैं, ये बोलते हो। नींद का बात का पता चलता है क्या? कैसे करते? नींद आ जा, नींद आ जा, नींद आ जा, ऐसे नहीं है ना, अपने आप सो जाता है। सोचते हो तो उठ जाते हो, सोचते हो तो सो जाते हो। इसका मतलब ताकत तुम्हारे शरीर में नहीं, तुम्हारी सोच में है। शरीर तो सोच का गुलाम है। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? बड़ा सोचना शुरू करो। इस सोच में बहुत ताकत है, शरीर सोच का गुलाम है। अब सोच कर देखना तुम्हारी मजबूत सोच कितनी पावरफुल है कि तुम सोते हो, सोच के 4 बजे उठना है, बिना अलार्म के आगे खुल जाती है। तो किसी ने कहा है कि सोया हुआ इंसान मरे हुए इंसान जैसा होता है। एक मजबूत सोच जब मरे हुए इंसान को सुबह उठा सकती है, अगर जागा हुआ इंसान सोच ले तो उसे कहां पहुंचा सकता है। यही दो पर्पस है आज आपके यहां पर, कोई पर्पस है? अपनी सोच को बढ़ाना है हो, अपने एटमॉस्फेयर में चेंज करने आए हो, अपना मानसिक बदलाव करने आए हो। नहीं तो जैसे गांव में थे वैसे तो अभी भी हो, और यहां से जाओगे वैसे ही रहोगे, लिखोगे वैसे ही। पर अगर कुछ सोच बदल के जाओगे तो आज जैसे दिख रहे हो वैसे दिखोगे, लेकिन 4 साल बाद दुनिया दिखने को तरसेगी। क्या सोचने के पैसे लगते हैं? हाँ, सोचने के पैसे लगते हैं। मैं 100 करोड़ रुपए कमाऊंगा, मैंने सोच लिया, पैसे लगे? पैसे लगे तो सोच तो लो यार, कमाएंगे नहीं कमाएंगे, भाड़े में जाएंगे। कहते हैं आज हमारा घर तंगी में हो, परेशानी में हो, हम झोपड़ी में रहते हो, किराए पे रहते हो, एक कमरे का करो, चाहे दो कमरे का करो, घबराओ मत, डरो मत। जब डरो, अगर घर छोटा है, अगर सोच छोटी है तो डरो, डरना भी चाहिए, क्योंकि वो घर आपका भी बड़ा नहीं बनेगा। अगर घर किराए का है और सोच छोटी है तो डरो, आप कभी मकान मालिक नहीं बन पाओगे। लेकिन उस दिन अपना डर खत्म कर देना, झोपड़ी क्यों ना हो लेकिन सोच बड़ी होनी चाहिए झोपड़ी से निकलने के लिए। जब सोच बड़ी होगी तो झोपड़ी महल में बदल जाती है। यहाँ पर कोई रईस का बच्चा नहीं है किसी डायरेक्ट सेलिंग में, यहाँ पर तरक्की के सब बड़ी सोच लेकर निकले हुए हैं। सोचने के पैसे लगते हैं क्या? सोचने के पैसे लगते हैं क्या? कैसे सब बोलोगे? जितने भी लोग हैं, मैं अरबपति बनूंगा, दोबारा मैं अरबपति बनूंगा, मैं अरबपति बनूंगा, मैं अरबपति बनूंगा, ऐसे लगे। आसिफ मैंने क्यों बोला था? फिर बुलवाना क्यों बोला? क्योंकि हिम्मत नहीं करते। आप तुमने आवाज दी है मैं अरबपति बनूंगा, बार बार रोज कहोगे मैं अरबपति बनूंगा, परमात्मा परेशान हो गया, रोज
द्रौपदी को मनाई थी। जैसे इंसान सोचता है दोस्तों, जीवन वैसे ही चलता है। शारीरिक रूप से हम सब मजबूत हैं, समझे, मानसिक रूप से कमजोर थे, लेकिन क्या इतना सब कुछ देखने के बाद भी आप कमजोर रहोगे? आप कमजोर रहोगे क्या? फिर भी मानसिकता कमजोर रहेगी? नहीं। अब तुमने किसी भैरवियों को नहीं देखा यार, अपने जैसे कोई देखा है? अपने जैसे कोई, अपने जैसे कोई देखा है? किसी भैरवियों को नहीं देखा, वो भी आप जैसे परिवारों से आए थे, लेकिन बड़ी मजबूत सोच के साथ वो चार साल उन्होंने अपने जीवन के दिए थे। अच्छा एक बात बताओ, चलो नेगेटिव बात करते हैं, चार साल में तुम कामयाब नहीं हुए तो करके तो देख लो चार साल, दिल से मेहनत तो कर लो चार साल, नहीं हुए तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो? आज कौन सा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो? आज कौन सा तुम्हारे पीछे चिप से घूम रही? हाँ नहीं हुए तो सारा जिंदगी में पश्चाताप तो नहीं होगा कि मैंने अपने जिंदगी में एक बार भी कोशिश करके नहीं देखी? कोशिश तो करी, जैसा खाना आगे जैसी कहानी आगे वो हमेशा रहेगी। भाई एक बार सोचना, चार साल मेहनत करी, महिपाल बन गया तू। ऐसा भी तो हो सकता है भाई, तो नहीं हो सकते, आया ना, बिगड़ेगा कुछ नहीं। समझना दोस्तों, इस एडब्ल्यूपीएल परिवार में बिगड़ने का कुछ नहीं, बिगड़ने का कोई सिर्फ बनने का चांस है। मेरे चांस मिस मत करना। बाकी काम क्या करना है वो आपको मालूम नहीं है? क्या काम करना है? देश को आत्मनिर्भर बनाना है, बेरोजगार मिटाना है, लोगों की बीमारियां मिटानी है, लोगों को अच्छे प्रोडक्ट देने हैं, जो लोग दुखी परेशान हैं उनकी परेशानियों में उनका साथ देना है। ये अच्छा काम है, बुरा काम है? अच्छा काम है, बुरा काम है? देश की बीमारियों से लड़ना और देश की बेरोजगारी से लड़ना, ये अच्छा काम है, बुरा काम है? यार आप तो बहुत पुण्य का काम करके पैसे कमा रहे हो, लोग तो पाप करके पैसे कमा रहे हैं। जो पाप करने वाले अपना काम नहीं छोड़ रहे तो तुम पुण्य करने वाले कैसे छोड़ देते हो यार? काम अच्छा है? अरे काम अच्छा है, लोगों ने भी दुआएं दे दी, किसी की दुआ लगी जाए क्या पता? दोस्त किस्मत पे हमारा अधिकार भी नहीं है, हमारे अधिकार किस पे है? कर्म पे। किस पे है? अरे कर्म क्या होगा नहीं होगा किस्मत में छोड़ो, किस्मत नहीं बदल सकते। सुबह से शाम तक अपना कर्म कर सकते हैं, अपना कर्म कर सकते हैं। तैयार हैं इस मिशन में? तैयार हैं देश की बीमारी और बेरोजगारी मिटाने के लिए? तैयार है? कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हम लोग? अगर कर रहे तो छोड़ दो, मैं कह रहा हूँ सामने से, कोई टॉफी नहीं, कोई लालच नहीं। जिसको लगता है कंपनी गलत काम कर रही है आज का छोड़ दे, मैं कभी नहीं बोलूंगा काम। और जिसको लगता है ये कंपनी देश हित में काम कर रही है वो मेरे साथ काम कर रही है। प्रोडक्ट महंगे है? हाँ महंगे है, लेकिन लोगों की जिंदगी की कीमत से महंगी नहीं है। असली देसी घी महंगाई होता है। अपने गांव में देसी घी लाना, 1000 रुपए किलो मिलेगा, बाजार से लाना 350 रुपए किलो मिलेगा, आया ना? और उसकी ताकत और उसकी ताकत में फर्क है। हम प्रोडक्ट दिल से बनाते हैं, उसमें इकोनॉमी का नहीं ढूंढते कितने का बनाना है, ठीक करना है, लोगों को फायदा पहुंचाना है। क्या लोगों को फायदा पहुंच रहा है या नहीं? फायदा पहुंच रहा है नहीं? फायदा पहुंच रहा है नहीं? अरे लोगों का फायदा करके अपना जीवन बदलने का मौका है तो उसको इसे छोड़ना मत, डटे रहना, जमे रहना। और आप सबके चरणों में फिर एक बार नमन। एसएलपीएस फैलने साथ जहां भी है आपकी वजह से है,
आते हैं, घुटने टेकते हैं, कोई सोचेगा दिखावा करता होगा, कोई कुछ सोचेगा मुझे फर्क नहीं पड़ता कोई क्या सोचता है। मैं लोगों के चरणों में माथा इसलिए टेकता हूँ कि जितने ज्यादा लोगों का आशीर्वाद मिलेगा उतनी जल्दी ये कंपनी दुनिया की नंबर वन कंपनी बनेगी। इसलिए नहीं देखता नहीं मैं दिखावा करना है। मुझे पता आप जनता हो कि हर आदमी के मन में दिल है आत्मा है, जितनी दुआ इस कंपनी को मिलेगी ये कंपनी उतनी बड़ी बनेगी। इसलिए कंपनी हमेशा समाज हित में और देश हित में काम करती है। कभी ये समाज के खिलाफ या देश के खिलाफ ये काम करने की बात तो छोड़ो कभी सोचेंगी नहीं। और ये कंपनी आज हिंदुस्तान की पहली 5 कंपनी में आई है वो आपने पूछा ये मैंने नहीं पूछा। आपकी ताकत है मेरी ताकत नहीं है। जो भी कुछ आप हो मेरे बगल मोटर संरक्ष कंपनी का संरक्षक हूं मैं आपका। मालिक जनता होती है जनता और मैंने मालिक जनता को बनाया है। आज मुझसे बोलता हूं रुको कुछ साल तुम्हें मालिक बना दूंगा इस कंपनी। अब कैसे मालिक बनते पढ़े लिखे सोच लेता हर आदमी एक दिन हर आदमी का मालिक कैसे आएगा मुझे नहीं पता। पढ़े लिखे को समझ आ गया होगा वो लाऊंगा मैं तेरे ये आपकी कंपनी है सर मेरा कोई रोल नहीं है। आप जैसे कहोगे ऐसे नाचूंगा जो कहोगे वो मानूंगा। पर याद रखना ये जनता की कंपनी है। और ये भी बताता हूं अगर किसी निहारे इस कंपनी को गलत नजर से देखने की कोशिश की तो सोच लेना ये जनता क्या बनेगी। अब विभा सर बता रहे थे कंपनी वाले पूछ रहे हैं ये शो हो गए 4 फंक्शन हो गए। अच्छा मैं तो जब 3 साल हो गए कंपनी का चेयरमैन में सोता था बोलता था एसडीपीएस ब्रांड है ब्रांड। तो लोग बोलते थे अभी तो कुछ भी नहीं है ब्रांड। अब तो मान लू लगातार इंदिरा गांधी ने कर दिए शाम में से अब तक तो कोई नहीं कर पाया। अब तो मानोगे कि भारत में सिर्फ एक ही कंपनी है जिसके आगे ब्रांड लग सकता है एडोबे ब्रांड। और अगर किसी को बता रहे कि सबसे ऊपर है बराबर आगे 5 फंक्शन करे लगातार एक में आवाज हो जाती है। आज बताना पड़ता था प्रोफाइल अब क्या हो रहा है मालूम है। अब हमें बताते हैं सौ आपकी कंपनी में तो 150 को आ रहे हैं 200 करोड़पति है क्या प्रोफाइल है। मगर फिर 2 साल पहले कुछ पूछ रहा था समझ में आ गया। तो आज आपने अपनी कंपनी को उस मुकाम पे पहुंचा दिया दोस्तों कि आज एसडीपीएस वेलनेस भारत में प्रोडक्ट सेलिंग में गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च होने वाली कंपनी बन चुकी है। सब आपके आशीर्वाद के कारण हुआ आपके प्यार के कारण हुआ आपके समर्पण के कारण हुआ। बस ऐसे प्यार और आशीर्वाद बनाए रखना दुनिया जीत लेंगे पूरी दुनिया में राज करेंगे अंग्रेजों से भी पैसे कमाएंगे कोविड नहीं आता तो अभी तक शुरू कर चुके होते बहुत कुछ करेंगे मिलके समाज सेवा करेंगे समाज के दुख भी दूर करेंगे लोगों को करोड़पति भी बनाएंगे और लोगों को बीमारियों से भी मुक्त करेंगे। जितना समाज और देश के लिए हो सकता है एसडीपीएस वेलनेस आपके प्यार और आशीर्वाद से हमेशा ऐसी आगे बढ़ती रहेगी। थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस यू विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।